हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। राधे राधे सभी को, जय माता दी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी धनतेरस की सरल पूजा विधि। हाँ जी, जैसे दिवाली की एक प्रॉपर पूजा हम लोग करते हैं, उसी तरीके से धनतेरस वाले दिन की पूजा आप किस तरीके से विधिवत कर सकते हैं वो मैं बताऊँगी। बहुत ही सरल तरीका है, कोई भी इसमें कठिनाई वाला काम नहीं है। जो भी विधिवत पूजा करना चाहते हैं धनतेरस वाले दिन, वो इस तरीके से आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले साफ स्थान पर चौकी रखें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उसके बाद थोड़े से अक्षत और पुष्प डालकर कुबेर महाराज जी की जो प्रतिमा है उसको स्थापित करें। जैसे कि आप सभी को पता है, धन धान्य के देवता हैं श्री कुबेर महाराज जी, और उनको विराजें। आपके पास अगर पहले से मूर्ति है चांदी की, पीतल की या किसी धातु की, तो आप उस मूर्ति को रख सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट से नई ले आइए, जैसे मैं लाई हूँ मिट्टी की, आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद एक तरफ थोड़े से अक्षत डाल करके और एक लोटे में जल भर करके रख देंगे, यानी कि कलश की स्थापना कर देंगे। और मेरे मंदिर में चांदी की लक्ष्मी मैया है, मैंने उनको विराज किया है। जैसे किसी किसी मंदिर में नहीं होती हैं, सिर्फ दिवाली वाली ही रखी होती हैं, तो आप ना रखें, उनका केवल ध्यान कर लें मन ही मन। उसके बाद श्री चरणों को रखें। यंत्र है आपके पास तो यंत्र भी रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कुबेर यंत्र होता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। वस्त्र ओढ़ाएँ, चुनरी ओढ़ाएँ या फिर वस्त्र रूपी कलावा आप उनको अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, दीपक सबसे पहले जला लें और एक पात्र में जल रख लें। जैसे मैंने यहाँ पर पूजा की जो थाली है वो तैयार की है, और कुछ नहीं करना है। जैसे आप डेली पूजा करते हैं, इतना तो सभी को ज्ञात होगा कि जैसे माला चढ़ानी है, पुष्प चढ़ाने हैं, तिलक लगाना है, अक्षत लगाना है, तो इस तरीके से आप जो विधिवत पूजा है वो कर लें। और कुछ भी कठिनाई नहीं है, आप देख सकते हैं। और मन ही मन बस ये ध्यान रहे, आपको कुबेर महाराज जी को और लक्ष्मी मैया जी को आग्रह करना है कि आप मेरे घर पधारें और कृपा करें हमारे ऊपर। ये सारी आपको प्रार्थनाएं मन ही मन करती रहें। देखिए, भगवान से भाव देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते हैं, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। उसके बाद आपके सामर्थ्य के अनुसार मिठाई और फल उनको अर्पण करें। जैसे कि कुबेर महाराज श्री धन के देवता हैं, हमें धन प्रदान करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, तो एक अलग से मिट्टी का जो कलश है उसको हम तैयार करेंगे। उसमें हम रखेंगे दो कमल गट्टे, दो हल्दी की गांठें, दो कौड़ियां और घूमती चक्र, और 11 रुपए या जितनी भी आपको रखने हैं सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा। मैंने यहाँ पर 11 रुपए रखी हुई है। फिर उसके बाद ऊपर से जो खीलें होती हैं, खीलें भी कहते हैं कि खीलों को बिखेरना घर में, यानी खुशियों को बिखेरना, भी खुशियों की प्रतीक होती हैं। सारी ही चीज़ें लक्ष्मी, सुख, शांति और धन की मतलब प्रतीक मानी जाती हैं। तो इनको आप अच्छे से भर करके और इस कलश को तैयार करें, कुबेर महाराज जी के चरणों में अर्पण करें, उनसे प्रार्थना करें अपनी, और ऊपर से एक जो घी का दीपक है उसको रख दें और उसको प्रज्वलित करें। आपको ध्यान रहे, जो कलश आपने स्थापित किए हैं उनके मुख पर आपको कलावा अवश्य बांधना है। यहाँ पर मैं अभी बांध दूंगी, आप देखिएगा। और बस ऐसे ही दीपक को, धूप को प्रज्वलित करें, भगवान जी को दिखाएं, अर्पण करें, मन ही मन प्रार्थना करें, अपने लिए भी और सभी के लिए, मतलब दूसरों के लिए भी। भगवान उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोच रखते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, उनका बुरा नहीं चाहते हैं। अगर आपके मन में खोट है, जरा सा भी पाप है कि दूसरे को आप दुखी देखना चाहते हो, परेशान देखना चाहते हो, तो फिर आप कितनी ही पूजा कर लो, कितनी ही चौकियाँ सजा लो, भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, 5 घी के दीपक आपको जलाने हैं, जो कि आपको भगवान को अर्पण करने हैं। आज के दिन, जैसे कि आपको सभी को पता होगा, हम बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, ये सारी चीज़ें धनतेरस वाले दिन हम लाते हैं। तो आपने जो कुछ भी खरीदा है उसका पूजन अवश्य करें, स्पेशली झाड़ू का। कुछ भी नहीं खरीदा, सिर्फ एक झाड़ू आप ले आएँ, तार वाली या फिर फूल वाली, स्पेशली तार वाले झाड़ू का ज़्यादा महत्व है, बट मैं दोनों को बराबर महत्व देती हूँ, दोनों का महत्व होता है। तो इस तरीके से तिलक करें अक्षत रोली से, और पुष्प अर्पण करें, खीलें थोड़ा सा अर्पण करें, और साथ ही साथ मिठाई अर्पण करें। मैंने मिठाई के रूप में मिश्री अर्पण की है। उसके बाद दीप दिखाएं, धूप दिखाएं, सारा
करके प्रॉपर तरीके से पूजा करें, उसके बाद दक्षिणा अवश्य अर्पण करें भगवान को। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आप लेकर के आए हैं, चाहे वो सोने की है, चांदी की है, उसको अवश्य पूजा में शामिल करें, उसका भी पूजन करें। जैसे आपने झाड़ू का देखा, इसी तरीके से सेम तरीके से आपको जो भी धनतेरस के दिन आप लेकर के आए उसका भी पूजन करें। उसके बाद आपको आरती गानी है, बस आपका जो पूजन है वो सम्पन्न होता है। फ्रेंड्स देखिए कि कितना सरल तरीका है, कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं है। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ इसमें पूछना है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स करना, मैं आपको बता दूंगी। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी पूजा कर सकते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। ऐसा कुछ सामान नहीं है इस वीडियो में जो मैंने बताया, सारा कुछ आपको पूजा की दुकान पर सब मिल जाएगा आसानी से। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।